हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित और मेरी किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे कंडेंस मिल्क, जिसको हम मिल्कमेड या मिठाईमेड भी कह सकते हैं। ये बहुत ही इजी है घर पे बनाना, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ मैं आपको इसकी रेसिपी बताने वाला हूं। सो इससे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात कह रहा हूं, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपनी क्वेरीज पूछें और फीडबैक्स दें कि आपका कैसा बना है कंडेंस मिल्क। सो चलिए देखते हैं हमको इसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स की पड़ेगी। यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप कैस्टर शुगर, ये थोड़ी फाइन वाली शुगर है, जल्दी से जैसे मेल्ट हो जाए। 1 कप मिल्क पाउडर लिया है मैंने, 1/2 कप वाटर एंड 1 टीस्पून विनेगर। सबसे पहले हम शुगर को पैन में डालेंगे, गरम पैन में, और उसके बाद हम डालेंगे इसमें वाटर और हम इन दोनों चीज़ों को मेल्ट करेंगे, इसका सिरप बना देंगे थोड़ी कम फ्लेम पे, कुछ इस तरीके से हम इसको मिक्स करते रहेंगे। आप देख सकते हैं शुगर का कास्टर शुगर थी तो ये काफी जल्दी मेल्ट हो गई है, तो जब तक ये इसको मेल्ट होने तक इसको कुक करना है हमको, तो इसको मेल्ट कर देंगे हम, कंटिन्यूसली स्टर करते रहेंगे। सो फ्रेंड्स, हमारा शुगर सिरप जो है वो रेडी हो चुका है, इसमें मैंने शुगर और ये वाटर मिक्स हो चुका है और अब मैं इसमें विनेगर डाल दिया है ताकि क्रिस्टलाइज होने से प्रिवेंट हो जाए, और इसको मैंने प्रॉपरली मिक्स कर दिया है। अब मैं इसको जो है हीट से हटा दूंगा और ये हमारा जो है शुगर सिरप रेडी हो चुका है। इसको अभी हमको थोड़ा ठंडा करना है ताकि थोड़ा वार्म, ये जब ये वार्म हो तभी हमको इससे डील करना है, ये अभी काफ़ी गर्म है, जब ये वार्म रह जाएगा तभी हम इससे इसके ऊपर वर्क करेंगे। सो इसको देखते हैं 5 मिनट के बाद। फ्रेंड्स, अब जो ये हमारा मिक्सचर है शुगर सिरप शुगर वाटर का मिक्सचर, ये अब वार्म रह गया है, इसको थोड़ी देर मैंने ठंडा कर दिया है। सो अब हम इसको एक ब्लेंडर जार में डालेंगे, कोशिश करें बड़े से बड़ा जार जो आपके मिक्सर के साथ आता है या मीडियम जार जो आता है उसको यूज़ करने की, और एक काफ़ी गर्म वार्म है जिसमें थोड़ा दूध निकलता है तो ये गैस पैदा करता है इसके अंदर, तो एडवाइस करूँगा कि आप गैसकेट ना यूज़ करें। इफ गैसकेट यूज़ करें तो एक कपड़ा रखें अपने लिड के ऊपर, जैसे मैं आपको दिखाने वाला हूँ अभी। अब ये जो है इसमें मैं मिल्क पाउडर डाल दूंगा इसी के साथ अंदर इसको, अब मिक्सी पे इसको लगाएंगे एंड कवर करके आपको कुछ इस तरीके से इसके ऊपर नैपकिन या कोई भी किचन टॉवल रख सकते हैं, इसको इंच करेंगे सबसे पहले, इसके अंदर गैस पैदा होती है तो ये पॉप करता है, तो इसलिए हमने इसके ऊपर कपड़ा भी रखा है, कुछ इंच करेंगे पहले। होल्ड करें इसको टाइटली, इंच करने के बाद इसको फर्स्ट स्पीड पे चलाएंगे 2 से 3 सेकंड के लिए। सो फ्रेंड्स, अब मैं इसको पहली बार ओपन कर रहा हूँ और आपको दिखा देता हूँ इसकी कंसिस्टेंसी और टेक्सचर क्या है। आप देख सकते हैं ये थोड़ा रनी टेक्सचर का है बिकॉज ये गर्म है अभी। सो अब हम इसको वापस से एकदम हाईएस्ट स्पीड पे ब्लेंड करेंगे 20 से 30 सेकंड के लिए। बट सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो साइड है उसको स्क्रेप डाउन कर देंगे, जो साइड पे मिल्क पाउडर लग गया है वो निकल जाएगा इसके हेल्प से। अब हम इसको हाईएस्ट स्पीड पे ब्लेंड करेंगे 20 से 30 सेकंड के लिए, सब निकाल स्क्रेप डाउन कर देंगे। अगेन सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे 3rd स्पीड पे, हम इसको मेरे मिक्सर में 3rd स्पीड मैक्सिमम है। सो फ्रेंड्स, अब ये बन चुका होगा, सो हम इसको केयरफुली हैंडल करें बिकॉज ये काफ़ी गर्म रहता है, इसको ओपन करके पहले हम लिड की साइड्स को स्क्रेप डाउन करेंगे कुछ इस तरीके से, एंड आप देखेंगे कि जैसे जैसे ठंडा होगा उसकी थिकनेस बढ़ती जाएगी, एकदम मार्केट के कंडेंस मिल्क की तरह बन जाएगा, और इतने क्वांटिटी में आपको 200 से 250 ग्राम्स कंडेंस मिल्क मिल जाएगा। सो इसको हम निकाल देंगे एयर टाइट बोल में या एयर टाइट कंटेनर भी यूज़ कर सकते हैं आप।
फ्रेंड्स मैंने अभी ये रूम टेम्परेचर पे आ चुका है और आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। ये देखिए, ये एकदम मार्केट की तरह बना है और जब भी हम इसको फ्रीज में रखेंगे तो ये और थिक होता जाएगा। सो इसको आप ऐसे मेरे तरीके से बनाएं और मुझसे अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। आप इसको इस तरीके से बना के एयर टाइट कंटेनर में 12 मंथ्स के लिए प्रिजर्व कर सकते हैं। सो आप इसी तरीके से कंडेंस मिल्क अपने घर पे भी बनाइए एंड मेरे साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।